हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 20 फरवरी, तो हम लोग यहाँ पर आज 20 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम में अगर सर्च करेंगे JL झारखंड लाइव्स तो आपको वहाँ पर इजिली जो है ग्रुप मिल जाएगी। तो डेली वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप जरूर वहां पर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और आप सबको बता दूं कि 11th JPSC की हो या फिर SSC की हो, सेंट्रल SSC की हो या फिर यहाँ पर झारखंड SSC की कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, झारखंड SI की बैच जो है वो नई यहाँ पर जल्द ही शुरू होने वाली है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड के किस शहर में सबसे अधिक भूजल का दोहन जो है वो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो पानी का दोहन हो रहा है, सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो झारखंड के किस शहर में हो रहा है, यानी भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज्यादा कंजप्शन झारखंड के किस शहर में ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि धनबाद में। तो ये रिपोर्ट जो यहाँ पर आई है, ये केंद्र सरकार की जो यहाँ पर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाटर बोर्ड है, रिपोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस रिपोर्ट में बात सामने निकल कर आई है कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक जो ग्राउंड वाटर का कंजप्शन हो रहा है, दोहन हो रहा है, यूज हो रहा है, वो झारखंड के किस शहर में हो रहा है। तो ये जो हो रहा है वो धनबाद में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? धनबाद में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धनबाद में सबसे ज्यादा जो है वो पानी का कंजप्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड में शहरीकरण और औद्योगिकरण का असर जो भूजल के स्तर पर पड़ा है, वर्ष 2022 की तुलना में भूजल की निकासी 2.22% तक बढ़ गई है। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको कि झारखंड में जो वृद्धि दर्ज की गई है वाटर एक्सप्लोरेशन का, यहाँ पर भूजल दोहन का, वो 2.2% झारखंड में बढ़ गया है पिछले रिपोर्ट के अनुसार। वर्ष 2020 में जो रिपोर्ट आया था और वर्ष 2022 में जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 2.2%, 2.22% जो है वो इंक्रीज कर गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 2020 में जो भूजल की निकासी थी वो 29.13% था, जो कि ये वर्ष 2022 में, ईयर 2022 में, ये बढ़कर कितना हो गया? 31.35, 31.35 यहाँ पर जो है वो प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये बढ़कर कितना हो गया है? 31.35% हो गया है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से अक्टूबर 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो भूजल का ये रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में धनबाद कोडरमा में सबसे अधिक भूजल का दोहन हो रहा है, सबसे अधिक जो है वो धनबाद में हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा है राज्य, सॉरी जिला है यहाँ पर, वो है कोडरमा जिला है। ठीक है, कितना कितना यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है, कितना प्रतिशत का यहाँ पर हो रहा है वो देख लीजिए। तो धनबाद में यहाँ पर 75% भूजल का दोहन हो रहा है। ठीक है, वाटर एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 75% हो रहा है, वो धनबाद में आपका हो रहा है। ठीक है, और कोडरमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 66.10% यहाँ पर हो रहा है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे कम, सिर्फ 9.93% भूजल का दोहन हो रहा है। तो ये भी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो पानी का यानी कि जल भूजल का जो दोहन हो रहा है वो धनबाद में हो रहा है, और सबसे कम की बात करें तो 9.93% ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में ये सबसे कम यहाँ पर दोहन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। राज्य में फिलहाल 1.78 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का दोहन हो रहा है। टोटल जो दोहन हो रहा है अभी वो वर्तमान में कितना हो रहा है? 1.78 बिलियन क्यूबिक मीटर। राज्य में सबसे कम दोहन जो हो रहा है वो पश्चिमी सिंहभूम में, 9.93% दोहन हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो जिले हैं, ठीक है, अलग अलग शहर है,
वो यहाँ पर मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कौन सा जिला है और कहाँ पर जो है वो कितना ये दोहन किया जा रहा है, ये सारा ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। वर्तमान में कितना दोहन है और वार्षिक दोहन के लिए उपलब्ध भूजल जो है वो कितना है, वो भी इस यहाँ पर कॉलम में उपलब्ध किया गया है, कराया गया है, ठीक है। और वर्तमान में कितना दोहन हो रहा है ये इस कॉलम में दिख रहा है, और कितना प्रतिशत यहाँ पर दोहन हो रहा है वो इस कॉलम में दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये कॉलम है यहाँ पर एक, और एक ये यहाँ पर कॉलम है। तो झारखंड के जो 2400 जिले हैं, ठीक है, झारखंड के जो 2400 जिले हैं उन सभी का यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही है, कहाँ पर कितना जो है भूजल का दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 8 फरवरी 2023 को, ठीक है, कब, 8 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में रजत पदक किसने जीता है, ठीक है। 8 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में रजत पदक किसने जीता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप है जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो झारखंड के तैराक हैं राणा प्रताप, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तैराकी खेल में ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि तैराकी में यहाँ पर झारखंड को, झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया यह पहला पदक है तैराकी में, ठीक है। और ये कौन है, राणा प्रताप है जिन्होंने 200 मीटर के जो इवेंट था ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल यहां पर जीता है, ठीक है। तो आज झारखंड में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड के किसी खिलाड़ी के द्वारा ये मेडल जीता गया है इस कैटेगरी में, तैराकी खेल में, ठीक है, तैराकी खेल में ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन रख करिएगा, और ये है राणा प्रताप, और इन्होंने ही झारखंड को जो है वो सिल्वर मेडल यहाँ पर पहली बार तैराकी स्पोर्ट्स में, यहाँ पर स्विमिंग स्पोर्ट्स में जो है वो इन्होंने दिलाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने एक नए विधेयक, संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, और ये जो विधेयक है वो कौन सा है, झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है, इस विधेयक के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह सभी। तो जितने सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे ही इस विधेयक में, संशोधन में प्रावधान किया गया है। तो इस विधेयक में, इस यहाँ पर जो कहिए कि संशोधन किया गया है वो क्या क्या किया गया है, वो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से भी देख लेंगे और डिटेल्स में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल रमेश बैस है जिन्होंने झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है, और इस यहाँ पर विधेयक के तहत, यानी कि कहिए कि जो नियमावली बनाई गई है 2023 की ये कहलाएगी, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके तहत अब भाग 3 में नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और भाग 4 में प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाएंगे, जबकि परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष या फिर समकक्ष कतार पर यहाँ पर जो है वो सहायक उद्योग निदेशक है रेशम का, ठीक है। साथ ही साथ क्रय विक्रय प्राधिकारी तसर का, शोध प्राधिकारी रेशम का, और यहाँ पर देख लीजिए प्राचार्य झारखंड रेशम तकनीकी संस्थान चाईबासा का, संगठन सह कलाकार हस्तशिल्प संसाधन केंद्र खूंटी, तथा मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी पदों पर नियुक्ति झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग के प्रथम प्रवेश मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो अगर इतनी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप ये 3 बिंदु भी यहाँ पर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है क्या है, इस नियमावली के भाग 3 में ये प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति जो है वो सीधे सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पर नियुक्ति जो है वो किया जाएगा, ठीक है, सीधी नियुक्ति किया जाएगा। और भाग 4 में ये किया गया है कि प्रोन्नति द्वारा जो है वो पद भरे जाएंगे और
यहाँ पर। और तीसरा जो बिंदु है वो है प्रथम प्रवेश मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती जो है वो झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो है वो राज्यपाल रमेश बैस जब थे यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। तो ये जो मंजूरी दी गई है वो 8 फरवरी को दी गई, ठीक है। ये जो मंजूरी दी गई है वो 8 फरवरी को दी गई है। तो इसलिए उस समय यहाँ के राज्यपाल जो थे वो रमेश बैस थे, वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी, और ये सारी बातें इस विधेयक में यानी कि संशोधन नियमावली में प्रावधान किया गया है, ठीक है। समझ में आ रही सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 4th नंबर, नागपुरी भाषा परिषद के द्वारा, ठीक है, नागपुरी भाषा परिषद के द्वारा ये जो सम्मान है प्रफुल्ल सम्मान 2023 वो किन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रफुल्ल सम्मान 2023 किनको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर, पहला और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए एवं बी दोनों को ही यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। ए एवं बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहले है मनोहर महंती और दूसरे है महावीर साहू, ठीक है। इन दोनों को ही यहाँ पर प्रफुल्ल सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? नागपुरी भाषा परिषद के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो नागपुरी भाषा परिषद ने नागपुरी दिवस सह प्रफुल्ल जयंती समारोह बुधवार को, यानी कि यहाँ पर जो है वो 8 तारीख को, ठीक है, 8 फरवरी 2023 को ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। इस यहाँ पर जो ये आयोजन किया गया था, प्रफुल्ल सम्मान ठेठ नागपुरी के गायक हैं गुमला जिले के बसिया प्रखंड निवासी मनोहर महंती एवं प्रख्यात नागपुरी गायक महावीर साहू को दिया गया है। तो ये जो प्रफुल्ल सम्मान 2023 प्रदान किया गया है यहाँ पर नागपुरी भाषा परिषद के द्वारा, तो ये जो प्रदान किया गया है वो जो जिन्होंने नागपुरी में या कि कहिए कि नागपुरी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक है यहाँ पर पहले जो है वो है यहाँ पर मनोहर महंती, जो कि ठेठ नागपुरी गायक है यहाँ पर, और वो गुमला जिला से संबंध रखते हैं, गुमला जिले के बसिया प्रखंड के निवासी हैं वो। और दूसरे जो है वो कौन है? नागपुरी गायक महावीर साहू है। इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वो प्रफुल्ल सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। पहली बार संस्था के रूप में नागपुरी साहित्य संस्कृति मंच शाखा गुमला को भी प्रफुल्ल सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर वो दिया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, प्रफुल्ल सम्मान 2023, ठीक है, दोनों को ही यहाँ पर प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक नया यहाँ पर जिस तरह से आईपीएल आयोजित किया जाता है पुरुषों के लिए, उसी तरह से अब महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा देश में। तो उसमें से जो यहाँ पर कहिए कि जो नीलामी हुई है खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की, तो झारखंड से ऐसे कितने क्रिकेटर जो है वो इस नीलामी सूची में शामिल की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, 2023 के लिए 13 फरवरी 2023 को झारखंड के कितने खिलाड़ियों की नीलामी सूची में जो है वो शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि झारखंड के 6 महिला खिलाड़ी शामिल थे इस नीलामी सूची में, ठीक है। नीलाम जब हो रहे थे खिलाड़ी, तो इस सूची में जो यहाँ पर कितने झारखंड के महिला खिलाड़ी शामिल थे, तो झारखंड के 6 महिला खिलाड़ी शामिल थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, इस तरह से जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, IPL, उसी के तर्ज पर यहाँ पर WPL का भी वर्ष 2023 से जो है वो आयोजन किया जा रहा है, और इसमें सारे जो है महिला खिलाड़ी होंगे, झारखंड के 6 यहाँ पर खिलाड़ी, महिला क्रिकेटर जो है वो शामिल किए गए हैं इस सूची में, ठीक है। ये 6 खिलाड़ी कौन कौन है इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। और मैं नेक्स्ट सेशन में हो सकता है बताऊं कि जो खिलाड़ी हैं झारखंड के, उनका किस टीम में चयन किया गया है और कितने में उनका चयन किया गया है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, महिला प्रीमियर लीग WPL के लिए 13 फरवरी को महिला खिलाड़ियों की नीलामी की गई। इस नीलामी में फ्रेंचाइजी टीमें कुल 90 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई, जिसके लिए 409 क्रिकेटर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से झारखंड की 6 महिला क्रिकेटरों के नाम भी शामिल है। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर झारखंड की धाकड़ ऑलराउंडर, ठीक है, धाकड़ ऑलराउंडर है, और वो कौन थी यहाँ पर, ठीक है, कौन, एक मिनट, ठीक है, वो कौन थी यहाँ पर जो ऑलराउंडर थी, वो अनुजा पाटिल थी। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी का नाम इस लिस्ट में
30 लाख बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर शामिल है। ठीक है, 30 लाख में उनकी जो है वो नीलामी वाली सूची में झारखंड के दो खिलाड़ी हैं। कौन कौन है? तो एक ऑलराउंडर है अनुजा पाटिल और दूसरी जो है वो कौन है, शुभ लक्ष्मी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर और चार जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी के पास काफी लंबा क्रिकेट का अनुभव है। वही जमशेदपुर की लेफ्ट आर्म गेंदबाज ममता पासवान एवं युवा ऑलराउंडर अश्विनी भी इस ऑक्शन लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये चार यहाँ पर खिलाड़ी हो गए। हाल के दिनों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से झारखंड सीनियर टीम को नॉकआउट दौर तक पहुंचाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को बेस प्राइज यहाँ पर रखा गया है वो 10-10 लाख रुपये रखा गया है। इसके अलावा रांची की जो है वो शांति और बोकारो की खुशबू कुमारी भी ऑक्शन के दौरान बॉली लगाई गई है। इन दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस जो था वो 10-10 लाख रुपये यहाँ पर रखा गया था। जो बोकारो की यहाँ पर खुशबू कुमारी है और रांची की यहाँ पर जो शांति है, इनका जो बेस प्राइस था वो 10-10 लाख रुपये था। तो झारखंड की यहाँ पर कुल 6 महिला क्रिकेटर जो है वो यहाँ पर इस नीलामी सूची में यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा कितने खिलाड़ी थे जो नीलामी सूची में शामिल थे, झारखंड की महिला खिलाड़ी क्रिकेटर जो थे वो कितने थे, 6 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वो स्पोर्ट्स से संबंधित ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, और ये जो है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2022 में ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हुनर को तराशने के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पोर्टल से कितने खेलों को जोड़ा जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो कहिए कि झारखंड स्पोर्ट्स, ये जो कहिए कि पोर्टल है झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पोर्टल, ये दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल में इस पोर्टल से कितने स्पोर्ट्स को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32 खेलों को जोड़ा जाएगा। कितने खेलों को जोड़ा जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, 32 यहां पर खेलों को जोड़ा जाएगा। 32 ही क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि ओलंपिक में जो यहां पर गेम्स का जो लिस्ट है, ठीक है, सारे गेम्स में यहां पर शामिल हो जो 32 यहां पर गेम्स है, एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक गेम्स हो, ठीक है, वहां पर जो है वो 32 कैटेगरीज है स्पोर्ट्स के, तो वहां पर 32 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए यहां पर भी जो है वो 32 कैटेगरी का यहां पर, यानी कि 32 स्पोर्ट्स जो है, 32 खेल जो है वो यहां पर जोड़ा जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स में यहां पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहां पर निकल कर आ रहा है। तो राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और हुनर को तराशने के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पोर्टल से 32 खेलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, सभी 32 खेल जो है वो जुड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की खेल नर्सरी बनाने और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत कब की थी। ये जो पोर्टल है का नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, तो ये क्या है पोर्टल का नाम, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल। ठीक है, इसका जो लॉन्च किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो 29 दिसंबर 2022 को यहां पर किया गया था। यह पहला ऐसा पोर्टल है जो स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन की सोच को मजबूत आधार देता है और एक ही पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी जो है उपलब्ध है। स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी यहाँ पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पर इस पोर्टल में सारे ही यहाँ पर मिल जाएंगे, झारखंड खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल में। ठीक है, और इसमें और भी क्या खास बातें हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। पोर्टल पर भविष्य में राज्य में आयोजित होने वाले राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी भी मिल सकेगी। ठीक है, तो राज्य में जो भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा वो सारे ये पोर्टल पर यहाँ पर उपलब्ध होगा। राज्य के खिलाड़ी जिन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वे अपनी समस्या को पोर्टल के माध्यम से सीधे जो है वो खेल प्राधिकारी और खेल विभाग तक यहाँ पर पहुंचा सकेंगे। किसी भी खिलाड़ी को कोई भी समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं जो यहाँ के अधिकारी है, प्राधिकारी है, खेल प्राधिकारी। ठीक है, इस पोर्टल में हर खिलाड़ियों का डाटाबेस होगा। ठीक है, उनकी सारी जानकारी यहाँ पर इस पोर्टल में मिल जाएगी आपको, जो भी खिलाड़ी है किस खेल से संबंध रखते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या उपलब्धि रही है, वो सारे ही यहाँ पर इसमें उपलब्ध होंगे। उनके उपलब्धियों की जानकारी एक क्लिक में मिल पाएगी। पोर्टल में कुल 32 खेलों को जोड़ा जाएगा ताकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सभी 32 खेल के खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। तो मान्यता जो प्राप्त है
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से वो 32 खेलों को ही प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर 32 खेल जो है वो इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आंसर ऑफ द डे है, पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था और उसका हम लोग यहाँ पर आज सही आंसर देखेंगे। तो प्रश्न जो पूछा गया था कि 7 फरवरी 2023 को झारखंड के किस जिले में आदि मानव के बनाए गए शैलचित्र के रूप में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिमडेगा में। कहाँ पर? सिमडेगा में जो है वो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं आदि मानव के। ठीक है, आदि मानव के जो टाइम के उस समय के जो शैल चित्र थे वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर अंशुमाला तिर्की एवं बालेश्वर कुमार बेसरा हैं जिन्होंने जिले के कई स्थलों का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। ठीक है, और ये शैल चित्र जो है वो बीरू, बंगरू, घोसा, छुरिया, पूर्णा पानी, कोलेबीरा के भंवर पहाड़ तथा जलडेगा के परम्बा जैसे स्थानों से मिले हैं, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, 17 फरवरी 2023 को झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, झारखंड के नए जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है अपरेश कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रवि रंजन, तीसरा ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा को जो है वो झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति यानी कि कहिए कि संजय कुमार मिश्रा को यहाँ पर नियुक्ति जो की गई है वो किन की गई है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सब कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये कितने नंबर के यहाँ पर चीफ जस्टिस बने हैं ये भी आप साथ में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये तो कमेंट करिएगा ही करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, साथ में बताइएगा कि कितने नंबर के ये न्यायाधीश बने हैं, कितने नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड के, और साथ में बताइए कि पहली महिला जो यहाँ पर कही कि चीफ जस्टिस बनी थी मुख्य न्यायाधीश झारखंड की वो कौन थी। पहली महिला जस्टिस चीफ जस्टिस जो बनी थी वो कौन थी यहाँ पर झारखंड में, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक करिए, और दोस्तों आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर झारखंड SI की एक नई बैच जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो अगर आप इस झारखंड SI की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का तीनों का यहां पर कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाया जाएगा। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी, यानी ऑनलाइन वाले जो जुड़ेंगे यहां पर उनकी वैलिडिटी 1 साल की होगी ऐप में, ठीक है, क्लासेस के साथ। तो ये आप यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सुबह 6 बजे इसी टाइम पर, कल सुबह मिलेंगे हम लोग। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और चीज़ों को अपडेट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।